ओके पूछना शुरू करो फिर। सर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इन द इंटीरियर ऑफ पैराबोला। कह रहा है पैराबोला के अंदर जो सर्कल का पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो पहले तो हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 लिख लें इसको। 4 से पूरे में डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3/2। ग्रेट। यस। तो लेट्स सी ये सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। और ये पॉइंट जो हो गया हमारा 3/2, 0। दूसरा है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है वो ओपनिंग किस तरफ है? ये राइट अप, ओपनिंग अपवर्ड है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ओपनिंग अपवर्ड होगा ना? यस सर। तो इस पैराबोला के अंदर क्या पार्ट आ रहा है सर्कल का? यही पार्ट तो आ रहा है। दीक्षा? यस सर। इसमें क्या डाउट आ रहा है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। हाँ, आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिनट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को 4y पुट कर देते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। दीक्षा तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ली हो तो मैंने निकालो। सर √2, 1/2। यस √2, 1/2 ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं सिर्फ इधर का एरिया निकाल लेता हूँ हाफ साइड का और इंटू 2 कर दूंगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 times इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। ऊपर है सर्कल तो वो हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। नीचे वाला है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कहां से कहां तक? 0 से लेके √2 तक। ठीक है। और 2 ये पूरे में मल्टीप्लाइड है तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई। आ गया समझ? आ गया। वो मैंने लिमिट्स गलत ले लिए थे सर। क्या गलत ले लिए थे? लिमिट्स। लिमिट्स कैसे गलत ले सकते हैं? 1/2 ले लिए थे मैंने, 3/2 ले लिया था सर्कल वाली केस में। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो नेक्स्ट आउट सर। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। अभी तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन दी हुई है। Yes. 4 में 2 तो सिंपल लाइंस ही हैं और एक पैराबोला है और एक y इज इक्वल टू x लाइन है, बाकी 2 तो पैरेलल लाइंस है y एक्सिस के। तो सबसे पहला कह रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू यूनिट्स ऊपर 2 y इज इक्वल टू x स्क्वायर का बनाओगे तो यहां से ऐसे जाना चाहिए था, यही ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा 0, 2। दूसरी है लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x हमें ड्रॉ करनी आती है। तो लाइन कुछ ऐसी जाती है। मैंने आई थिंक पैराबोला अच्छा नहीं बनाया। y इज इक्वल टू x ये लाइन हो गई और
पैराबोला को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा, कर रहा था ना कहीं इंटरसेक्ट? सर वो x is equal to 3 वाला कर रहा था। ये पैराबोला इस लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो मैंने आप सही बनाया था। तो हमारा ऐसा कहीं पैराबोला था। अब लाइन है x is equal to 0, जो कि y एक्सेस होगी, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, और x is equal to 3। तो x is equal to 0 और x is equal to 3 ड्रॉ कर लेते हैं। x is equal to 0 ऑलरेडी ड्रॉन है, x is equal to 3 मान लेते हैं ये यहाँ कहीं। नाउ इन सारे कर्व से, इन चारों कर्व से, y एक्सेस, ये रेड वाली लाइन और बाकी दोनों, जो बाउंडेड एरिया है क्या ये वाला एरिया हो गया? Yes, sir. ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत सही, तो डायरेक्ट ही है। ये पॉइंट पता ही है, 3 है, x is equal to 3 है ना, 0 से 3 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। सर लिमिट्स क्या लेंगे? लिमिट 0 से 3 भाई, x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक जा रही है। Yes, जब y dx करते हैं तो x में लिमिट लगाते हैं, x dx करते हैं तो y पे, x dy करते हैं तो y पे लिमिट लगाते हैं। करके दिखाओ। नहीं सर हो जाएगा। और किसी को भी डाउट हो तो पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं करने में। फाइन, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड द एरिया, स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एंड लाइन। देखो हमने पहले शुरू में किया ही था, एक सर्कल और एक लाइन, उसके बीच में छोटा एरिया है उसका एरिया निकालना है। तो सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो स्टैंडर्ड सर्कल ऐसा वाला हो गया, दिस इज सर्कल, और जो लाइन है वो है x plus y is equal to 2, तो लाइन बेसिकली ऐसे जा रही होगी। ठीक है, स्मॉलर एरिया क्या हो जाएगा, जो बेसिकली वाला एरिया है बीच में होगा, बस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। लिमिट कहां से? 0 से लेके 2 तक भाई, x 0 पे शुरू हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है, तो 0 से लेके 2 तक ऊपर वाला मतलब सर्कल का कर्व माइनस लाइन का। यस सर। करूं? नहीं सर, अब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Any other doubt left? No, sir. Okay. तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो गया है। आई थिंक हमारे पास 3 ही चैप्टर रह गए हैं क्या? वेक्टर 3D एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी। अच्छा चलो, 4 चैप्टर। तो ठीक है, सिलेबस इज गोइंग एट अ गुड प्लेस, आई थिंक बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा।